तो दोस्तों अगर आप दुबले पतले हैं, खाया पिया नहीं लगता, वजन बढ़ाना चाह रहे हैं तो पावर मास गेनर लेना है। और भैया एक ट्रिक से लेना है जिसमें आपके 1400 रुपये बचेंगे। कैसे बचेंगे अभी बताऊंगा। सबसे पहले भैया को बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। भैया बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा ये भैया को पहचान रहे हो आप? भैया से मुलाकात मेरी तो हुई है, आपकी भी हुई है। कहाँ हुई है जी? अलीगढ़ सप्लीमेंट्स वाला आउटलेट पर। और आज हूँ मैं गाजियाबाद सप्लीमेंट्स वाला आउटलेट पर। और भैया क्या लेके गए थे आप? पावर मास गेनर। भैया फिर क्या कुछ हुआ रिजल्ट? कुछ नहीं हुआ। 4 kg बढ़ा था, आधा खाया था जी। आधा खाया था इन्होंने, 4 kg बढ़ा था इनका वजन, सुन लो यहाँ पर। और भैया जो वजन बढ़ा वो टिका हुआ है जी? बिल्कुल। फिर भैया वो छोड़ क्यों दिया जी? मतलब मैं कहीं बाहर चला गया था, उसको घर पे रख लिया, उसका डेट निकल गई इस वजह से। वो फिर इनका इन्होंने ओपन किया, आधा खाया, 4 kg वजन बढ़ा, उसके बाद ये कहीं बाहर चले गए, वापस आए, फिर देन वो लंबा टाइम हो गया। तो मैंने भैया को क्योंकि एक वीडियो बनाई थी कि अगर आप भी मास गेनर या प्रोटीन वगैरह कुछ खोल लेते हैं और अगर वो 4 महीने 5 महीने 6 महीने उसको हो जाएं तो क्या वो दोबारा खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, तो इसको लेकर मैंने वीडियो बनाई थी जो भैया ने देखी थी। तो भैया क्या उसमें डिफरेंस लग रहा था आपको? जो उसमें मतलब उसका टेस्ट जो अलग हो गया, जो महक जो कम हो गई। सुन लो यहाँ पर, टेस्ट में बदलाव आ गया। तो अगर आपने भी कोई ऐसा प्रोटीन गेनर BCAA रख दिया खोल के, 2-3, 4-10 दिन यूज़ किया, अब उसे दोबारा यूज़ करना चाह रहे हो 3-4-5 महीने बाद, तो वो वीडियो देख लो जिसमें बता रहा हूँ कि किस तरीके से पता लगेगा कि उसमें दोबारा यूज़ कर सकते नहीं कर सकते। और इसको लेकर मैं जल्दी एक नई वीडियो बनाऊंगा, पर फिलहाल आप पुरानी वाली देख लो जो ऑलमोस्ट 1 साल पहले बनाई थी मैंने। अरे भैया आए हुए हैं खुला हुआ पावर मास गेनर वापस लेकर। क्यों लाए इसको वापस आप? मेरे को ना बीच में प्रॉब्लम हो गई थी। क्या प्रॉब्लम हो गई थी? भूखाई सी आने लगती थी। ठीक है, नहीं मास गेनर से फिर? नहीं नहीं वैसे ही हुआ था, तो उसी की वजह से मैंने बीच में लेना बंद कर दिया था। उसके बाद अब तो मैं ठीक हूँ। पूछना चाहता हूँ ले सकता हूँ कि नहीं? ले सकते हैं, नहीं ले सकते? प्रोटीन लिया था, गेनर लिया था, कुछ भी लिया था और मैंने वो खोल दिया, 5-6 महीने बाद उसे यूज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? जब आप उसे ओपन करेंगे तो आपको उसको स्मेल करना है। अगर अजीब सी इसमें से स्मेल आ रही है तो फिर आपको वो नहीं लेना। ओके? हाँ, ऐसी है, पहले जैसी है। थोड़ा सा पाउडर आप लेंगे और उसे थोड़ा सा टेस्ट करेंगे, पहले जैसा ही है। टेस्ट में आपको कुछ गड़बड़ लगती है, कुछ कड़वाहट आने लगती है, कुछ भी, तो भी वो आउट है। गांठे भी बन जाती है काफी बार, अगर गांठे भी बन गई हैं तो भी फिर आपको यूज नहीं करना है। तो इसमें ऐसा कुछ भी है भैया? ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसको भैया यूज कर सकते। भैया क्या चाहते हो जी आप? सर वेट बढ़ाना चाहता हूँ। वेट बढ़ाना चाह रहे हैं? और भैया किसने बताया आपको सप्लीमेंट्स के बारे में? सर मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, आपको फॉलो कराया हुआ है, मेरे भाई ने मैं आपको आपके पास लेके आया इसका, इसने खाया था आधा बाल्टा, इसका वजन टिका हुआ है सर। घर वाली बात है सर, इस तरह पता है बस वीडियो देखकर। सुन लो यहाँ पर, घर वाली बात है, भाई हो यहाँ पर आएगा वो तो भैया घर वाली बात है, भैया का वजन बढ़ा इसलिए भैया आए। और नाम क्या आपका? योगिंदर। और कहाँ से हो जी? बिलासपुर धनकौर। भैया आपका नाम? रितेश। आप भी सेम बिलासपुर? बिलासपुर से ही हैं। बिलासपुर धनकौर से स्पेशल गाजियाबाद आए हैं। अब भैया कह रहे सुबह 10 बजे से बैठे सर, हम वेट कर रहे हैं सर, हम 1 घंटे से उधर से डोल रहे हैं उधर से डोल रहे हैं सर। भाई देखो सुबह 10 बजे भैया आए थे जी, और मैं जो है भाइयों से इसके लिए माफी मांगता हूँ हाथ जोड़ के। भाई मैं थोड़ा लेट हो गया क्योंकि भाई मैं जब गाजियाबाद आया तो मैं आया लाल कुआ और घंटाघर होते हुए, और भाई वहाँ बिल्कुल जाम, मतलब वहीं मेरे को 1.5 घंटा मेरा बर्बाद हो गया, और इसलिए आज मैं आने में थोड़ा लेट हो गया, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ भाइयों से। और दोस्तों आप भी जुड़े सप्लीमेंट्स वाला से और वजन बढ़ाना है, तो भैया दिखाओ क्या लिया है आपने? भैया ने लिया है, उसको उठा लो, उठा के यहाँ रख लो। हाँ, ये पावर मास गेनर का बाल्टा जो भैया ने भी लिया था, और 1400 रुपये बचाए हैं। अब कैसे बचाए हैं वो भी बताऊंगा। अगर आप भी दुबले पतले पावर मास गेनर लीजिए, मोटा तगड़े हो जाएंगे, जो रिजल्ट आएंगे वो टिकेंगे जाएंगे नहीं। रिजल्ट वाली वीडियो आप YouTube चैनल सप्लीमेंट सलाह पर जाकर देखो, आपको पता लगेगा। रिजल्ट वाली वीडियो देखो, पता लगेगा 2000 से ऊपर है रिजल्ट की वीडियोस। अब बात कर लेते हैं कि भैया 1400 रुपये कैसे बचे हैं। 1400 ऐसे बचे हैं कि अगर भैया 3-3 किलो का अलग अलग लेते मास गेनर तो 3500 + 3500 कितने होते भैया? सर 7000। 7000 रुपये 3500 + 3500, और ये कितने का है? सर 5600। 5600 का। और इसको घर जाके आधा आधा कर लोगे? जी सर, आधा आधा कर लेंगे। भाई तो भाई सर खा लेंगे आपस में, आपस में खा लेंगे। तो भैया कैसे 1400 रुपये सीधे बच गए। तो आप भी अगर 2 लोग हैं और 3 किलो वाला अलग अलग ले रहे हो तो उससे बेटर है यही ले लो, 700-800 रुपये जो आपके बचे हैं उसको भैया अपने डाइट में खर्च करना। और साथ में लिया एनर्जी प्रो, जो कि एनर्जी मतलब अपना जो है वर्क के बीच बीच में आप ले सकते हो, जिम जाते हो तो उसके बीच में ले सकते हो आप। अगर आपका हार्ड वर्क है, समझना, अगर आपका फिजिकल वर्क हार्ड है तो आपको जिम नहीं जाना, और अगर आपका हार्ड वर्क नहीं है, सिटिंग जॉब है या सेडेंट्री वर्क है, तो आप जो है अपना जिम भी जा सकते हो। तो भैया 5600 का बाल्टा, 850 का एनर्जी प्रो, ये सप्लीमेंट मिले भैया को ओरिजिनल,
जीएसटी बिल के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर जीएसटी बिल और ये टी शर्ट शेकर दोनों भाइयों के लिए अलग अलग सप्लीमेंट्स की तरफ से भैया को गिफ्ट है। अब यहाँ देखें तो नो डाउट भैया ने जो है 800,000 का टैक्स भी पे किया। पूछना चाहूंगा क्या फर्क पड़ा, जहाँ सेहत का सवाल है पैसा देखना भैया? नहीं सर पैसा नहीं देखना सर, सेहत देखनी है। सेहत देखनी है भैया, आप क्या कहना चाहोगे, सेहत में पैसा देखना है? सेहत में सर पैसा ले जा चुका हूँ। ले जा चुके जी? तो पैसा देखना नहीं देखना? नहीं सेहत का सवाल है। सेहत का सवाल पे पैसे मत देखो। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई लोगों से चूरन चटनी से बचो भाई, सप्लीमेंट विला से जुड़ो भाई। हाँ। से जुड़ो भाई से जुड़ो, सप्लीमेंट से ला पाओ। भाई हाफ आप ले रहे हैं, पहले बार तो अकेले लेके गया था मैं। हाँ सुन लो यहाँ पर भैया देख लो, पहले अकेले लेके गए थे पर आधा ही खा पाए। तो आप भी ऑर्डर करो, पावर मास गेनर ऑर्डर करना चाहते हो दो तरीके हैं। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, कॉल करो या supplementsvilla.com विजिट करो। वहाँ पर आपको ऑल ओवर इंडिया फ्री कोरियर सर्विस मिलेगी। फ्री कोरियर सर्विस मतलब 5600 का बालता आपके घर भी 5600 का जाएगा ये। और प्लस में आप अगर सप्लीमेंट्स विला के आउटलेट विजिट करना चाहते हो तो ये पूरे आउटलेट्स आ रहे हैं। देखो कहाँ कहाँ है सप्लीमेंट्स विला के आउटलेट, देखो आप। तो नज़दीकी भी आप आ सकते हो, जहाँ भी नज़दीकी, जैसे भैया आ गए आपका जो है बिलासपुर से गाजियाबाद आउटलेट, तो ऐसे ही आप जा सकते हो। आप जो है गाजियाबाद जा सकते हो, मेरठ जा सकते हो, सहारनपुर जा सकते हो, बरेली जा सकते हो, आगरा जा सकते हो, लखनऊ जा सकते हो, कानपुर जा सकते हो, मथुरा जा सकते हो, अलीगढ़ जा सकते हो, अलवर जा सकते हो, जयपुर जा सकते हो, आप गुरुग्राम जा सकते हो, दिल्ली कालका जी, दिल्ली रोहिणी, पलवल हरियाणा, देखो कितने सारे आउटलेट्स हैं। सब्जी के जा सकते हो आप, जहाँ भी नज़दीकी आउटलेट है। और जहाँ नहीं है वहाँ पर भाई देखो ऑल ओवर इंडिया कोरियर सर्विस है। और जितने भी आउटलेट्स हैं वो सारे आपके अपने आउटलेट्स हैं, फ्रेंचाइजी वाले नहीं हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सप्लीमेंट्स विला के आपके परिवार के आउटलेट हैं ये। ऐसा नहीं कि फ्रेंचाइजी किसी को दे दी और उसने आउटलेट ओपन कर लिया और उसके बाद गड़बड़ घोटाला चल रहा है, नहीं। आप चाहे सप्लीमेंट जैसे भैया ने अलीगढ़ से लिया और गाजियाबाद से लिया, भैया सेम चीज़ है जी, सेम है जी सर, और सेम फील है जी सर, सेम फील है। तो इसलिए भैया आप कहीं से मिलो सारे आपके अपने आउटलेट्स हैं। तो अगली बार मुलाकात होगी भाइयों से जब इनका वजन बढ़ जाएगा, और जब वजन बढ़ेगा तो एक वीडियो बनाएंगे इनके साथ। आप भी आइए सप्लीमेंट्स विला, जुड़िए। सस्ते सप्लीमेंट नहीं, नकली सप्लीमेंट नहीं, ओरिजिनल सप्लीमेंट, सिर्फ सप्लीमेंट्स विला से। नमस्कार।